उस वक्त तो देखनी ही पड़ेगी, जो देखना नहीं चाहते वो भी देखेंगे, क्योंकि दिखाई जाएगी महशर में शाने महबूबी के आप ही की खुशी आपका कहा होगा। लेकिन उस वक्त का देखना काम ना आएगा, काम आएगा जो इस वक्त मानेगा। इसलिए फरमाते आला हज़रत के आज ले उनकी बना, आज बदन मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और बिरादर आला फरमाते हैं कि फकत कितना सबक था इन खादे बल्द महशर का, यानी जो महशर सजाया जाएगा पूरा मैदान महशर, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि सरकार की शान महबूबी दिखाना है। फकत इतना सबक था इन खादे बल्द महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो उस वक्त तो सरकार का जवाब सभी देखेंगे, मिलकर शेर को पढ़े, देखनी है हश्र में इज्जत अल्लाह ताला देता है और मैं मुस्तफा तकसीम करता हूँ, अल्लाह देता है और मैं मुस्तफा तकसीम करता हूँ, अल्लाह ताला के खजानों के मालिक है सरकार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में जिसे जो कुछ मिला सरकार के तरफ से ही मिला, इसीलिए फरमाते आला हजरत अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, क्योंकि बढ़ती है दाना दाना मेरे हुजूर का है, तो हम नियाजी किसी से क्यों मांगे, हम नियाजी किसी से क्यों मांगे, हमको दिलाना मेरे हुजूर का है। देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की।
जन्नत है हुजूर के गुलामों के लिए, जाए ना जब तक गुलाम खुद है तब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत जिस पर चाहे जलवा दिखाएं, कर्म करने और जलवा दिखाएं, लेकिन कयामत का दिन वो दिन होगा कि जलवा उस दिन आम होगा, सरकार का जलवा आम होगा। किसी साहबी ने कहा यार रसूलल्लाह कयामत के दिन हम आपको महशर पे कहां लूटेंगे, सरकार ने फरमाया कि मैं तुम्हें पुलिस रात पर मिलूंगा, लोगों को गिरने से बचाता हुआ। तो अर्ज किया यार रसूलल्लाह अगर वहां ना होगा तो, कहा तो मीजान अमल पर देखना किसी के, अगर नाम है अमल में नेकियां कम होंगी तो उसकी नेकियां बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अगर बहाना देखे आप फरमाया तो हौज़े कौसर पर देखे मैं किसी को जान पिला रहा हूँ, उस वक्त सरकार का जलवा आम होगा। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौर के तो बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत और गली के भिखारी नहीं, दुनिया के सरकार के दर के भिखारी है, और सरकार के दर के भिखारी की वो शान है कि वो बड़े बड़े बादशाहों से भी बड़ा होता है। इसीलिए बिरादरी आला समाज है कि तुम्हारे दर के गदाओं की शान आली है, तुम्हारे दर के गदाओं की शान आली है, वो जिसको चाहते हैं ताजदार करते हैं। हम भिखारी वो करीब उनका खुदा उनसे फजूल, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह। अगर कोई हमारे पास कुछ मांगने के लिए आए और हमने उसका भला कर दिया, वो चीज दे दी, फिर लौट के आ गया, हमने पहचान लिया यहाँ चुका है, फिर दे दिया हमने, जब बार बार आएगा एक बार तो हमारा मुझे निकल जाएगा ना, और नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार की ये शान ही नहीं है, क्या जो तो कर्म है शहे बच्चा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। हम भी कारी वो करी उनका खुदा तुमसे और ना कहना नहीं आदत रसूल।
لیے کہ ہم مولائی ہیں, ہم سب سے زیادہ اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہیں, ہم حسینی ہیں. اور معاذ اللہ اس ولایت کی اور حسینیت کی اور محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. سرکار کے صحابی جن سے کئی حدیثیں روایت ہیں اور مستند حدیثیں ہیں, ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی شان. جبکہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں. اور جب بندہ کشتی پر سفر کرتا ہے سمندر میں تو راستہ ستاروں سے ہی دیکھتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں عقیدہ بتایا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اقرت کہیں کہیں یا